यहाँ से निकालो, हम अपने बीवी बच्चा के पास जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते, सही है कि नहीं? यहाँ की पुलिस, यहाँ का लेबर कोड, हम हर जगह में जाके देख लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज हम अपनी सरकार से ये बेनती कर रहे हैं कि हमारी। तो जय हिंद साथियों। दोस्तों, गल्फ के किसी भी कंट्री में रहते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अगर एक आप हिंदुस्तानी तो नीचे जय हिंद पहले तो जरूर लिखना। देश के किसी भी कोने से देख रहे हो, गल्फ के किसी भी कंट्री से देख रहे हो, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट आया है दोस्तों। दूसरा भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों यूएई से, दोस्तों यूएई शारजा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया और बताया कि कोई भी, ठीक है, अदर जो भी ये है माली सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे आप खुले में आप नहीं मना सकते। पहले से गाइडलाइन जारी किया अरब मुल्कों में कि आप कोई भी सेलिब्रेशन पूरा ऐसा रोड पे जैसे हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से नहीं करना है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जब शॉर्ट वीडियो में आपने देखा ये दोस्तों कतर की वीडियो है, बहुत सारे कतर में जो कंपनी है बहुत सारे वर्करों को निकाल रही, क्योंकि जब से वहाँ पर फुटबॉल जो वर्ल्ड कप था वो मैच ख़त्म हुआ उसके बाद दोस्तों वहाँ पर अभी काम कम है। तो बहुत सारे लोग कंपनियाँ क्या कर रही है कि वर्करों को ना सैलरी दे रही है, ना उनको खाने का पैसा दे रही है, ना खाना दे रही है, ना अपने कंट्री वापस भेज रही है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। और लास्ट जो अपडेट है दोस्तों वो बहरेन से आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग हैं, आपको पता है कि यहाँ पे जो मंदिर का सेलिब्रेशन किया था 22 जनवरी को, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनियों में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट्स कर रहे थे, लेकिन अपने कैंप वगैरह में करते थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दोस्तों ये लोग रोड पर आके ऐसा सेलिब्रेशन किया तो 9 लोगों को दोस्तों वहाँ से भगाया गया है। उनको पहले तो वीज़ा कैंसिल किया गया, बाद में 9 जो भाई थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया है यानी इंडिया में। तो आप कहीं भी अगर गल्फ के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो आपको कोई भी सेलिब्रेशन करना है तो आप अपने रूम में कैंप में कर सकते हो, रोड पर ऐसे नहीं कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों देखिए लॉ, अब उन लोग का रोजी भी गया, पैसे भी गया और उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब लाइफ टाइम वो गल्फ कंट्री में नहीं आ सकते।